इतना सारा बटर ये मम्मी खा गया अकेले, बाबू मैं मारूंगी। बताइए ऐसे बटर खाएगा? मत दिखा लगा दियो, 3 मिनट में जाकर ऊपर डालना, ठीक है? उसको रवे कपड़े डालना, नहीं है? हाँ हाँ ठीक है। और मेरे को कुछ लेके आना। छोड़ के जा रही हूँ, वैसे ही घर को रखना, ठीक है? हाँ ये लेकिन सारा किचन फैला देना, आऊंगी तो देखूंगी। बाबू बाय बाय। वैसे तो अच्छा सा रखती है, मुझे पता है। बाबू बाय बाय, मेरे कुछ लेके आना, ठीक है बाबू? खाने के लिए लेके आ क्या? I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not it. मेरे को सिर्फ यू के बाद जो एफ है वो दिख रहा है बस। अभी सिर्फ यू भी टी यही दिख रहा है बस। ये तो ले लो ना, ये अभी हम सोफा लेने का सोच रहे हैं। तो पापा मम्मी गए थे सोफे की दुकान पे, तो ये सब सोफा देखे, तो अभी देखते हैं कौन सा लेते हैं। हमने खाना खा लिया है, अब घर जा रहे हैं। वेज मम्मी यहाँ पे घर पे आ गई है मेरे साथ, बहुत बड़ा नाइंसाफी होते हुए। यहाँ पे सब कुछ मम्मी लोग रस्ते के साइड से खा के आ गए हैं फूड ट्रक में, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं लाए। मैं तेरा बेटा हूँ कि नहीं? तेरा बर्थडे में बा, मेरा बर्थडे में मैं खाने के लिए रुकूंगा। यहाँ पे कार आया है एकदम मस्त वाला, बाबू एक बार चला के दिखा। कितने दिन चाहिए आयुष की ये कार? मैं कभी कभी यूज करता, कभी कभी नहीं, इसकी बैटरी नहीं जाएगी। क्या कर बैठ गई हूँ मैं, इन लोगों को बोली कि कपड़ा उतार के रखा है, फोल्ड करके रखा है कपड़ा, उतार दिया है कपड़ा, तो फोल्ड करके रखना पड़ेगा ना, उतार दिया है ना। हाँ उतार दिया, थक गई हूँ तीन दिन कुछ देर में काम करके। ये है मेरी चाय, और ये है आयुष का दूध, और ये बिस्किट, और ये आयुष, और इधर मैं बैठी हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ हाथ धो करके, कहीं जाने पीती थका काम नहीं जाती है। हाँ आयुष की इतनी लिए गाड़ी भी लिया है, अभी दिखाएगा सबको चला के। तो पहले दूध पी लो आयुष, ये है आयुष की गाड़ी, जहाँ भी जाएगा एक टॉय जरूर पक्का ही लेगा। अभी चला के दिखा दूँ? नहीं नहीं अभी नहीं, रुको अभी अभी नहीं नहीं, बाद में पहले दूध पी, मैं चाय पी लूँ, चाय ठंडी हो जाएगी। ये आयुष ने सजा दिया है, ये है मेरा क्लच।
से और मैं निकाल काम तो सभी खत्म हो गए हैं, जो लास्ट में बचे खुचे हैं तो वो सारे मैं धो कर रख लेती हूँ, क्योंकि अंकिता ने तो सारे बर्तन धो लिए हैं, बस इतने से ही है। आप लोग देख सकते हैं सारा काम खत्म हो गया है मेरा, और किचन की मैंने अच्छे से साफ सफाई कर ली है। देखिए गैस भी बोझ लिया है, साफ कर लिया है। अच्छा लगता है ना रात में साफ सफाई करके सोने के लिए, और बर्तन रख दिया है सूखने के लिए, जब सूख जाएगा तब मैं ठीक कर लूँगी। और ये सिंक भी मैंने धो लिया है, इसको मैं बार बार धोती हूँ, जितनी बार मैं बर्तन मांजूंगी उतने बार इसको मैं धुलाई करती हूँ। हर चीज़ साफ सफाई हो तो अच्छी लगती है ना, तो फिर आराम से सुकून की चैन सो सकूंगी, इसलिए सब कुछ साफ सुथरा करके सोती हूँ। अब बारी है आयुष की, आ रहा है पीछे से, मेरा आ गया है आयुष। क्या हुआ? और पानी चला दिया है, ये मोटर की आवाज़ है, रात में पानी चला देती हूँ और सुबह लाइट वाइट ना हो तो मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए आज थोड़ा मोटर चला देती हूँ थोड़ी देर में। हाँ मैं काम का डिमांड हो गया, पापा पानी चूस कर लिया है। हाँ चूस कर लिया है, एक और चूस करेंगे। अच्छा तो फिर हम लोग जा रहे हैं सोने। वो टाटा कंपनी का, टाटा कंपनी का एक के साथ एक दिन था, मम्मी का था रेट तो उतना ही ले लिया उन लोग ने, उसको फिर क्या बोले थे, मैं तो सही ले लो, नए घर के लिए तो चाहिए, नए घर के नए सामान ये है, रूम के लिए ले लिया हम लोग, मतलब रूम में देखते हैं कहाँ कहाँ आए, ये लिया। फिर मैं ये पतीला ले ली, देखिए मुझे सही रेट में लगा, तो ये 99 का है और ये भी बजट के हिसाब से सही है, मुझे ये सही लगा, मुझे यही स्टील बिल्कुल अच्छा है, जो स्टील हल्का देखने में होता है ना वो फटता नहीं, जो भारी है स्टील वो फट जाता है, तो हमेशा मैं सामान देख करके लेती हूँ, इसको भी मैंने देख लेती हूँ, इसको साइड में हटा देती हूँ, इसको भी फिटिंग करना है, अभी धीरे धीरे करूँगी, जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे करती जाऊँगी। इसके अंदर सारे दूसरे के सामान है, ये है, ये तो था फिर भी मैंने नया ले लिया, और ये मुझे विशाल मार्केट में बहुत ही अच्छी लगती है। और जुराब क्या है, ये बोली ना जुराब ये तीन है, 125 रुपये का तीन, ये मुझे सही रेट लगता है, तो जब मैं जाती हूँ उठा के लाती हूँ। फिर ये लाई ऐसे गर्म चीज़, जो दो लाइन थी, एक तो मैं किचन में लेकर चली गई हूँ, दो लाइन किचन में पानी भी ज़्यादा ना है तो इससे सूख जाएगा, तो इसे किचन में यूज करूँगी। इसके बाद ये जूस छानने के लिए ये लाई, आयुष को अनाता जूस पिलाना है मुझे, फिर किचन के लिए ये तावल भी, किचन के लिए ये तावल लाई, और दिखा और ये चम्मच चम्मच लेकर फट गया, ये अपना चीज़ नहीं दिखाएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और गुड नाइट, फिर गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।